अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की मास्टरपीस मूवी आ चुकी है। अगर आप मेरी तरह अक्षय फैन हो तो प्लीज ये फिल्म मत देखना। जब इस फिल्म की ट्रेलर आई थी तब फिल्म की पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट बता ही दी थी, मगर फिर भी अक्षय कुमार के ऊपर भरोसा करके इस फिल्म को देखने चली गई कि इस बार तो अक्षय कमबैक कर ही लेंगे। ऊपर से डायरेक्टर अगर अली अब्बास जफर हो, जिन्होंने टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी मास्टरपीस मूवी बनाई हो, तो उम्मीद तो थोड़ी बढ़ ही जाती है। ये जानते हुए कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर भी है, फिर भी उम्मीद थी। मगर कहीं ना कहीं मुझे ट्रेलर देखने के बाद ये डर भी था कि फिल्म में सिर्फ एक्शन ही ना दिखा दे, क्योंकि आपने देखा ही होगा ट्रेलर में एक्शन भर भर के है और मुझे एक्शन उतनी पसंद नहीं है। पर अगर एक्शन के साथ इमोशन हो तो मुझे चलता है, लेकिन इस फिल्म से उतना भी नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि फिल्म की स्टोरी सबसे हटके होगी और मेरी बात सच भी निकली। फिल्म की स्टोरी सबसे अलग ही है, आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि ऐसी फिल्म आइंदा कभी ना भी बने। कहानी क्या है? भारत का सबसे खतरनाक हथियार जिसे विलेन यानी कि कभी चुरा लेता है इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करके, पर चुरा तो लेता ही है, उसके साथ साथ कभी इंडियन आर्मी को 72 घंटे का समय भी देता है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो बोल के। एक्चुअली वो 72 घंटे के बाद इस हथियार के जरिए पूरे देश को तबाह करने वाला होता है, पर कैसे और वो कौन है, क्या है, क्यों कर रहा है और उसे किस तरह सैन टाइगर रोकते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। जो शुरुआत में तो काफी अच्छी लग रही थी, मगर जैसे ही टाइगर मुंह खोलते हैं और इंस्टा से चुराए हुए जोक बोलते हैं, तब से फिल्म देखने लायक नहीं रहती। पता नहीं कौन महापुरुष ने ऐसे घटिया जोक लिखी है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब ये डायलॉग बोल रहे थे तब थोड़ा सा भी क्रिंज नहीं लगा? ये लोग फिल्म बनाते हैं तो खुद देखते भी है या नहीं? फिल्म के हर एक सीन में अपने घटिया जोक ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से फिल्म के अंदर कहीं भी आपको टेंशन फील नहीं होगी। फिल्म के अंदर थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं है। मुझे ये भी गलतफहमी थी कि फिल्म में विलेन का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग, काफी खतरनाक होगा, और खतरनाक भी है पर सिर्फ नाम का। पृथ्वीराज कितने विलेन एक्टर हैं, अगर आप द गॉड लाइफ देखे हो तो अच्छे से जानते होंगे। इतने अच्छे एक्टर का इससे बुरा इस्तेमाल शायद कोई कर सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि फिल्म में अक्षय कुमार को क्यों रखा गया है, सिर्फ एक्शन के लिए? क्योंकि बाकी टाइम तो वो मिस्टर इंडिया बन के पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, दिखाई ही नहीं देते। खैर, मैं तो आपको इस फिल्म के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर के बारे में तो बता ही नहीं। मिस अलाया इतनी कमाल की बातें करती है ना कि ऐसा लगता है कि थिएटर छोड़ के भाग जाऊं। जब भी बोलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी घटिया एक्टिंग करती है ना कि उसके आगे जितने भी बॉलीवुड के नेपो किश है ना, सब फेल हो जाएंगे। इसे देखने के बाद आपको सारा लिखा अनन्या पांडे एंड जानवी की एक्टिंग सबसे बेस्ट लगेगी। कैसे मकस ऐसी एक्टिंग करने वालों को अपने फिल्म में ले सकते हैं? ऐसी एक्ट्रेस, अरे कायका एक्ट्रेस, ऐसे इंसान को लेना कोई पाप से कम नहीं है। पता नहीं मकस हमें क्या समझते हैं, क्या हम कुछ भी देख लेंगे? इस फिल्म में कुछ अच्छा है तो वो है एक्शन और कुछ नहीं, पर वो भी एक टाइम के बाद आंखों में चुभने लगती है। कितना ही एक्शन देखोगे? मुझे ना बहुत दुख हुआ इस फिल्म को देख के, इसलिए नहीं कि फिल्म बहुत बेकार है, इसलिए कि इस फिल्म में अक्षय हैं। पता नहीं अक्षय को किसकी नजर लग गई, जो भी फिल्म कर रहे हैं बेकार ही निकल रही है। लगातार कमबैक करेंगे, पर इस बार तो उन्होंने ऐसी कमबैक की मैं हंसू या रो समझ नहीं पा रही हूँ। जानते हो, जो अक्सर सीरियस मोमेंट को भी अपने बातों से फनी बना देते हैं, उन्हें आज ऐसे घटिया डायलॉग बोलते देख बहुत बुरा लग रहा था। खैर, फिल्म के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, इसलिए अगर ये सब सुनने के बाद भी आप देखना चाहते हो तो जाओ देखो यार। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।